दोस्तों ये हमारा अरुणाचल का लोकल था मूल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। एंड दोस्तों आज हम फिर से जा रहे मछुआरा बनने। एंड आप सभी देख सकते हैं ब्रो, एक बार मुड़के तू ये करो, ये मेरा दोस्त है तिली डोमिनिक। एंड दोस्तों आप सभी देख सकते हैं राइट नाउ हम लोग पानी के थी यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग पार करके थोड़ा और नीचे तरफ चला जाएगा। एंड दोस्तों आप सभी देख सकते हैं धान ऑलमोस्ट निकल चुके हैं एंड ये कुछ महीना के बाद पक जाएगा। एंड दोस्तों आप सभी देख पा रहा होगा वो अंदर तरफ पे धान ज़्यादा तरफ कोई कट दिया या कुछ हो गया। एक्चुअली दोस्तों आप सभी को तो पता है ये सीज़न हमारा अरुणाचल में चूहा मिस जाने का समय है। अब तक 10-15 ईयर्स का बाद ये चूहा जो जाते हैं वो चूहा ये दिस ईयर 2023 में ओलू का समय गिरा हुआ है। दैट्स व्हाई ओलू अभी जितना भी धान मिलेगा ओलू को पूरा उड़ा कर मोस्ट ऑफ द धान को खाके जा रहे हैं। मेरा दोस्त का भी ऑलरेडी दांग रेडी हो चुका है, ये पहला बाइट मारने जा रहा है। बाइट फिशिंग मुर्गी पेट से दोस्तों मेरा दोस्त जो मारने जा रहा है आज। ओ दोस्तों मुर्गी पेट नहीं है, चूहा का मीट को और पीस पीस करके बाइट यूज कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी देख सकते दोस्त जो ये चूहा से मार रहे हैं आप शायद। दोस्तों ये घर का चूहा होगा मेरा ख्याल से, उसका टंगरी को काट के आप सभी देख सकते हैं पेड़ यहाँ पे टंगरी को काट के टंगरी को मार रहे हैं। एंड विद दैट यहाँ पे हमारा बाइट आज के लिए। एंड दोस्तों लास्ट टाइम मेरा दांग जो ये पॉइंट से टूट गया था उसको कैसे भी कस्टमाइज करके आप सभी देख पा रहा होगा आज हम यूज़ करने जा रहे हैं। एंड दोस्तों आज हम यूज़ करेगा गोल्ड नंबर 5, आप सभी देख पा रहा होगा स्पिनर गोल्ड नंबर 5 इसको हम यूज करेगा। एंड लेट्स सी आज मेरा दंग हमको कितना साथ देगा। दोस्तों हमको बाइट होने में नहीं हो रहे। एंड दोस्त जो आप सभी देख पा रहा होगा और नीचे में दोस्त जो उसमें स्पिनर मार रहा है, हम भी मार मार के नीचे तरफ चला जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों आप सभी देख पा रहा होगा ये कता का अंदर में दोस्तों ये गुट्टी जो बैठते हैं आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा दोस्तों है बट ये क्योंकि यहाँ से भी बहुत बड़ा बड़ा साइज में मिला जाता है। एंड हमारा निसी भाषा में दोस्तों इसे कुरा बोल के प्रोनाउंस किया जाता है। एंड विद दैट यहाँ से बड़ा साइज एक होते हैं और उससे भी बहुत बड़ा साइज एक होते हैं उसको राहिंग बोल के और लोग प्रोनाउंस किया जाता है। एंड दोस्तों आप सभी को हम दिखा देगा अंदर कैसे देखते हैं इसका। दोस्तों आप सभी देख पा रहा होगा अंदर वाइट कलर है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग क्या करते हैं इसको फ्राई करके तेल का साथ में ड्राई फ्राई करके उसको फोड़ के हम लोग अंदर ये वाइट कलर आप सभी देख पा रहा होगा वाइट वाला चीज़ को हम लोग खाया जाता है। इट्स नाइस। ठीक है दोस्तों चलते हैं नीचे की ओर।
दोस्तों, इट्स गोल्डन मसीर। लास्ट वीक उससे छोटा वाला हम एक विलेज हुआ था, ये दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ताकत है ये जो। ओह, ये बेल है दोस्तों, आप पूंछ को देख सकते हैं दोस्तों, इट्स ब्यूटीफुल। मेरा पहला बाइट है दोस्तों ये जो। ओके, मुंह को देख सकते हैं कौन सा निकल चुके हैं, लेटिंग गो। ओके, बिफोर दैट दोस्तों, एक हुक है, या काफी साइज है दोस्तों। या दोस्तों, सेकेंड बाइट, इट्स चॉकलेट मसीर। ओ भाई, ये तो बहुत रिस्क से बाइट किया था, भी देख सकते हैं, इसे भी खाया जा सकते हैं, और भी होता होगा। और दोस्तों, गाची उस तरफ पे है, वो ऊपर में आप सभी को देख नहीं पा रहा होगा, थोड़ा कुछ ढूंढ के देखेगा और मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे भी है, आप सभी देख सकते हैं, टिंटू मिल चुके हैं हमको, एंड ये सारा वाला है। एंड दोस्तों, ये अंदर कैसे देखते हैं आप सभी को हमें शो कर देगा। आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही तेंगे है दोस्तों, देख सकते हैं। इसे भी पॉकेट में डाल लेगा ताकि मैं बाद में खा सकूँ इसे। दोस्तों, ये हमारा अरुणाचल का लोकल थमूल। बचपन में दोस्तों हम लोग उसको खा के थमूल जैसा छबा कर हम लोग घूमता था। एंड दोस्तों, ये खाने के लिए थोड़ा मीठा भी है, विथ तीता भी है, एंड ऑलमोस्ट 90% थमूल जैसे ही होते हैं। वो ये फान चूना नहीं डालते। आप सभी को शो करेगा कैसे देखते हैं अंदर। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं अंदर कैसे देख रहे हैं। ये जो थोड़ा मीठा होते हैं, मोस्ट ऑफ द मीठे ही होते हैं। एंड ये अंदर का आप सभी देख पा रहे होगा, ये अभी तक अच्छा से नहीं पके है। दैट्स व्हाई अंदर का मेन चीज़ जो तमूल जैसा होते हैं, और जो अभी तक पिंक कलर होके अभी तक पड़ा हुआ है, जब पक जाएगा आप लोगों को दोबारा हम शो करेगा दोस्तों। एंड दोस्तों, आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे आप सभी को शो कर देगा। जिसने भी अभी तक
हार्ट ब्रूम ने देखे है अरुणाचल का, आप सभी दोस्तों देख सकते हैं। ये है अरुणाचल का हार्ट ब्रूम, आप सभी ये मिड पॉइंट में दांती को देख पा रहा होगा। ये दांती को हम लोग लिया जाते हैं हार्ट ब्रूम के लिए, एंड ये पटालू को ऊपर के फेंक देते हैं। यो वेलकम बैक दोस्तों, फाइनली इतना ही है मेरा आज का ब्लॉग। आज हमको उतना बाइट होने में नहीं हुए, टोटल बाइट हमको 4 बाइट हुआ था, बट उधर से हमको सिर्फ 2 मिले, एक गोल्डन मशीन मिला था एंड एक चॉकलेट मशीन मिला है। एंड मेरा दोस्त को देख सकते हैं उस पे नीचे में, उसे चूहा का मीट से वो फिशिंग कर रहा था, उसको बहुत बड़ा वाला एक लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा से हुक में नहीं लगाता होगा, मछली जो थोड़ा खेलने के बाद गायब हो गया। उसके बाद मुंह उतर के बैठा हुआ है मेरा दोस्त का। एंड दोस्तों मेरा रोड को हम थोड़ा भरोसा नहीं था, थोड़ा डाउट हो रहा था टूटेगा बोल के, बट आज मैंने ट्राई कर चुके हैं। हाँ, आई कैन ट्रस्ट इट, यूज़ कर सकते हैं लूरा फिशिंग में। उतना बड़ा बाइट तो नहीं हुआ है, बट उतना साइज को तो आराम से निकल सकते हैं, तो बड़ा बाइट को भी खेलने का ऊपर है, आराम से निकल लेगा पाउडर यूज़ तक। हाँ, यूज़ कर सकते हैं हम, दैट्स व्हाई उसको कुछ लेट्स सी कब तक चलाएगा। सो गाइस, फिर माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड जस्ट सी, बाय दोस्तों।